हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपके साथ पिज़्ज़ा फ्लेवर वाली मटरी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ये रेसिपी बच्चों और बड़ों सबको बहुत ही पसंद आने वाली है। इसे मैंने बहुत ही इजी मेथड से बनाया है, तो चलिए देख लेते हैं इस रेसिपी को कैसे बनाना है। यहाँ पर एक बाउल में मैंने 1 कप गेहूं का आटा लिया है। ये वही आटा है जिससे हम चपाती बनाते हैं। इसमें मैं 1/2 छोटी चम्मच ओरिगेनो डालूंगी, पिज़्ज़ा सीजनिंग 1 छोटी चम्मच। 1 छोटी चम्मच मैं इसमें चिली फ्लेक्स ऐड करूंगी। चिली फ्लेक्स आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 पिंच के लगभग इसमें कुटी हुई काली मिर्च डालेंगे और नमक स्वाद के अनुसार। आप चाहें तो आप इसमें गार्लिक पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप गार्लिक पाउडर ऐड कर रहे हैं तो इसमें लगभग 1/4 छोटी चम्मच गार्लिक पाउडर ऐड करें। सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और अब मैं इसमें 2 टेबलस्पून देसी घी ऐड करूंगी। देसी घी यहाँ पर मैंने मोइन के लिए डाला है। आप चाहें तो आप देसी घी की जगह पर रिफाइंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। सब चीज़ों को ऐसे हाथ से अच्छे से मिक्स करेंगे। आटा और घी आपस में अच्छे से मिक्स हो जाने चाहिए। जब भी आप कोई मटरी बनाते हैं तो ये प्रोसेस बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इससे जो घी या तेल होता है वो सारे आटे में अच्छे से मिक्स हो जाता है और तो जो आपकी मटरी बनती है वो बहुत ही खस्ता बनती है। तो इसलिए जब भी आप आटे में घी या तेल डालें तो उसको ऐसे हाथों से ही अच्छे से मिक्स करें। घी और आटे को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हमें इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए इसकी एक टाइट डो तैयार करनी है। डो मैंने लगा के तैयार कर ली है। अब इसको एक प्लेट से कवर करके 10 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देते हैं। उसके बाद इससे मटरी बनाएंगे। चेक करेंगे, डो हमारी सेट होके तैयार हो गई है। इसको प्लेटफॉर्म पर निकाल लेंगे। अब मैं इसको 2 पेड़ों में डिवाइड कर लूँगी और अब हमें इसे रोल करना है। उसके लिए थोड़ा सा प्लेटफॉर्म को ग्रीस कर लेंगे। जिस बेलन से इसको रोल करना है उसको भी मैंने ग्रीस कर लिया है। अब इसको जितना पतला हो सके उतना बेल लेंगे। डो को मैंने बेल के तैयार कर लिया है। अब इसके जो रफ किनारे हैं उनको थोड़ा सा इवन कर देंगे। एक्स्ट्रा डो को रिमूव कर देंगे और अब इसे मटरी कट करेंगे। ऐसे मैंने तिकोनी मटरी काट के तैयार कर ली है। आप जिस भी शेप में मटरी को बनाना चाहें बना सकते हैं। एक नाइफ की हेल्प से इसको थोड़ा सा प्रिक कर देंगे सो दैट कि ये फ्राई करते हुए फूले ना। सारी मटरी आपको ऐसे ही तैयार करनी है, तो चलिए अब इन्हें फ्राई कर लेंगे। इस मटरी को फ्राई करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा गर्म तेल नहीं चाहिए। इसके लिए हमें मीडियम हॉट ऑयल चाहिए। मटरी को आप लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो ही ये बहुत खस्ता बनती है। जितनी मटरी एक बार में आ जाएंगी उतनी हम फ्राई करेंगे। मटरी हमारी फ्राई हो गई है। आप देख सकते हैं इस पर बहुत ही प्यारा कलर आया है। इसको आपको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। इसको एक टिश्यू पेपर पर निकाल लेंगे और सारी मटरियाँ ऐसे ही फ्राई कर लेनी है। पिज़्ज़ा मटरी बनके तैयार हो गई है। ये देखने में बहुत ही डिलीशियस लग रही है। जब आप इस मटरी को बना लें तो उसी टाइम इसके ऊपर आप थोड़ी सी पिज़्ज़ा सीजनिंग डाल दें, उससे ये मटरी खाने में और भी टेस्टी लगेगी। तो फ्रेंड्स, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।